हाय बच्चा लो, आई वेलकम यू ऑल फॉर द सेशन ऑन सीयूईटी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चा, टुडे आई एम हियर टू टेस्ट योर आरसी स्किल्स। एज यू ऑलरेडी नो दैट इन सीयूईटी आरसी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वेयर पैसेजेस विल बी गिवन एंड यू आर सपोज टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दोज पैसेजेस। ऑलराइट, सो आई विल बी टेकिंग एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो बच्चा, यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस हियर इटसेल्फ and we'll be discussing all the questions after every question. So it's going to be a kind of self-evaluation as well, because you'll be getting to know about yourself, about where do you people stand in context to reading comprehension, how many questions are correct, how many questions are incorrect, what all areas you actually need to work on. So it's going to be a kind of evaluation for you people. All right, students, so all the best. Let's begin with the test. Question number one on screen, kindly see the question. You can pause the video because I'm not going to give you much time. All right, bachcha, correct answer choice here is D. Fitness walking is convenient and valuable form of exercise. Bachcha, the entire passage is talking about fitness walking. If you are a fitness walker, then there is no need to commute to the health club. But that doesn't mean ki health club ko yahan pe criticize kara hai. Sirf ye bola hai ki easy and convenient form of exercise can be fitness walking, where you can go to your next door neighbors. All right, your neighborhood can be your health club. You don't need a lot of fancy equipment. All you need a good pair of athletic shoes. Why not option A? Because in passage there wasn't any comparison between exercise and weightlifting. Sorry, fitness walking and weightlifting. Iska koi comparison hua hi nahi hai bachcha passage mein, obviously out. Passage 2 dekhiye. Option 2. A membership in a health club is a poor investment. So bachcha, it can't be a poor investment, because yahan passage mein nobody has criticized health clubs. Yahan pe fitness walking ke advantages pe baat kari gayi hai, but health club ko yahan pe criticize nahi kara gaya. All right, so obviously B can't be correct answer. C dekhiye, walking outdoors provide a better workout than walking indoors. यहाँ पे आउटडोर एंड इंडोर का कोई कंपैरिजन पैसेज में नहीं हुआ है, हेंस आउट. डी इज डेफिनेटली अ करेक्ट आंसर चॉइस. फिटनेस वॉकिंग इज अ कन्वीनियंट एंड वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. ऑप्शन ई देखिए बच्चा, पुअरली डिजाइन, इट लीड्स मेजर फूट इंजरीज. इट माइट बी अनकंफर्टेबल और कुछ माइनर फूट इंजरीज हो सकती है, बट मेजर विल बी टू एक्सट्रीम टू से, हेंस ई इज ऑल्सो आउट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. Please pause the video for solving this question, because I'm not going to give you much time. All right. अब देखिए बच्चा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, न्यूयॉर्क पब्लिशर्स के बारे में बात हो रही है. दैट न्यूयॉर्क पब्लिशर हैज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 50,000 to 60,000 पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट दे वॉन्ट एन एंथोलॉजी ऑफ शेक्सपियर्स वर्क. ऑल राइट, दैट इंक्लूड्स, मतलब एंथोलॉजी का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर वर्क, ऑल द वर्क टुगेदर. ऑल राइट, और यहाँ पे लोगों का रिन्यूड इंटरेस्ट क्यों है, स्कॉलर ने एक पॉइंट आउट करा है कि जो कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल इंसाइट जो कैरेक्टर्स के थ्रू शेक्सपियर ने पोर्ट्रे करा है, दे आर अमेजिंग इवन टूडे. मतलब यहाँ पे लोगों को इनका जो साइकोलॉजिकल इंसाइट है विच हैज बीन पोर्ट्रेट बाया कैरेक्टर्स, दैट इज क्वाइट डिजायरेबल इन प्रेजेंट सोसाइटी एज वेल. All right, तो इसके लिए बच्चा करेक्ट आंसर चॉइस होना चाहिए था बी. पीपल टूडे आर इंटरेस्टेड इन शेक्सपियर्स वर्क बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर. सो बी डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर चॉइस है. अब ए क्यों गलत है बच्चा वो देख लेते हैं. शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर मोर इंटरेस्टिंग. ऑल राइट, यहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर के साथ कोई कंपेरिजन पैसेज में हुआ ही नहीं है. आपका ए इज आउट. यहाँ पे एकेडमिक स्कॉलर्स ने बच्चा सिर्फ एक बात करी थी कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स होते हैं,
साइकोलॉजिकल इंसाइट ही पोर्ट्रेड इन बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स आर अमेजिंग. ऑल राइट, बट नोवेयर इट इज स्टेटेड कि एकेडमिक स्कॉलर्स ने दे आर पुटिंग एन एंथोलॉजी, मतलब उन्होंने एंथोलॉजी बनाई है. इट्स नॉट स्टेटेड एनीवेयर, हेंस सी इज आउट. डी देखिए बच्चा, न्यूयॉर्क हैव अ रिन्यूड इंटरेस्ट. यहाँ पे बच्चा क्या बोला गया है, 50 to 60,000 पीपल इन यूनाइटेड स्टेट. यहाँ पे सिर्फ न्यूयॉर्क के बारे में बात नहीं हुई है, न्यूयॉर्क का तो सिर्फ पब्लिशर था जिसने ये एस्टिमेट करा था, बट द एंटायर यूएस हैव रिन्यूड इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ शेक्सपियर. सो ऑब्वियसली आपका डी इज आउट. ई देखिए बच्चा, शेक्सपियर वॉज अ साइकियाट्रिस्ट एंड प्ले राइट, नोवेयर स्टेटेड. ई इज ऑल्सो आउट. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन, प्लीज पॉज द वीडियो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ऑल राइट बच्चा, इस क्वेश्चन में बोला है दैट क्रिटिकल रीडिंग इज अ वेरी डिमांडिंग प्रोसेस जिसमें हमें स्लो डाउन हो जाना चाहिए, एंड वी शुड राइट डाउन द कंक्लूजन, वी शुड राइट डाउन वॉट एवर वी रीड, वी कैन मार्क सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस एज वेल, एंड वी शुड बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन रीडिंग प्रोसेस इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू रीड समथिंग क्रिटिकल. ऑल राइट, क्रिटिकली अगर आपको पढ़ना है क्रिटिकल रीडिंग की, तो यू शुड एक्चुअली बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. ऑल राइट, तो दैट इज वॉट एक्जैक्टली इज बींग स्टेटेड हियर इन द passage. Now the correct answer choice for this question is D. Critical reading requires thoughtful and careful attention. Passage mein clearly diya hai bachcha that critical reading requires thought, like you should slow down, you should write down, you should become active reader, you should mark questions, reactions, everything. Ab bachcha why not option A, kyunki yahan pe likha hai slow and dull. Passage mein ye kaha gaya hai you should slow down, that बट दैट डजंट मीन कि ये जो आपकी प्रोसेस थी वो अपने आप में स्लो प्रोसेस थी, एंड डल प्रोसेस के बारे में तो मेंशन ही नहीं है बच्चा. हेंस ए इज आउट, इट इज टू एक्सट्रीम टू कंसिडर अ करेक्ट आंसर. अब देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर बी, द बेस्ट क्रिटिकल रीडिंग हैपन्स एट क्रिटिकल टाइम्स. इलॉजिकल है कि आपकी लाइफ में अगर कोई क्रिटिकल टाइम आएगा तभी आप क्रिटिकली कुछ पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली आउट. अब सी देखिए, इन्होंने यहां पर बोला है पैसेज में ये जरूर बोला है कि यू शुड मार्क कंक्लूजंस एंड क्वेश्चन, बट इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग द ट्रुथ. जो यहां पे बोला है क्वेश्चन द ट्रुथ, दिस इज रॉन्ग. ऑल राइट, आपको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू शुड क्वेश्चन द ट्रुथ. अब देखिए बच्चा डी इज करेक्ट आंसर. ई देखिए, क्रिटिकल रीडिंग शुड टेक प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब रोज आना रात को 9 बजे मेरा दिमाग एक्टिव होता है तभी मैं क्रिटिकली पढ़ सकती हूँ. ऑब्वियसली इलॉजिकल आंसर, सो डी ई कांट बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4th ऑन स्क्रीन. अगेन बच्चा पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन. ऑल राइट, अब यहां क्या बोला गया है बच्चा, दैट देर आर नो इफेक्टिव बाउंड्रीज व्हेन इट कम्स टू पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, इसकी कोई इफेक्टिव बाउंड्रीज नहीं होती है. स्टडीज हैव शोन दैट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स हैव बीन बैन्ड. कुछ कंट्रीज में टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स बैन होती है, बट उन कंट्री में भी हमें ट्रेसेस मिल सकते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स के, क्योंकि इट हैज बीन कमिंग फ्रॉम द विंड. उन कंट्रीज से जहां पे वो अभी भी लीगल है, उन जैसे वाया विंड के थ्रू आ सकती है. जैसे बांग्लादेश में कोई टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है, एंड बांग्लादेश से वो इंडिया में आ सकते हैं वाया विंड इटसेल्फ, और वी कैन फाइंड सम ट्रेसेस. तो अगर इंडिया में सपोज अगर बैंड है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड, तो भी हमें इंडिया में ट्रेसेस मिल सकते हैं बिकॉज दे कैन कम वाया विंड. सो दिस इज वॉट एग्जैक्टली इज रिटन हियर. एक एग्जाम्पल भी दिया था इन्होंने, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी एंड टॉक्साफीन, उसके ट्रेसेस हमें आर्कटिक रीजन में भी मिले हैं, यूकॉन में भी मिले हैं बच्चा. ऑल राइट, जहां पे वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू हैव टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड, लेकिन कुछ ट्रेसेस मिले हैं बच्चा. ऑल राइट, दैट मीन्स वहां पर भी वो कैसे गए होंगे, वाया वॉटर और विंड. ऑल राइट, अब देखिए इसका करेक्ट आंसर चॉइस क्या था क्वेश्चन नंबर 4th का. ए इज करेक्ट आंसर. टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड सच एज डीडीटी हैव नॉट बीन बैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि यहां पे तो क्लियरली लिखा है पैसेज में वेयर दे रिमेन लीगल. अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे, ऑल राइट, तो यहां पे दिया है रिमेन लीगल का, लीगल वाला पॉइंट जो देखिए बच्चा.
आई हैव जस्ट मार्क्ड इट. ऑलराइट, कंट्रीज वेयर दे रिमेन लीगल, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज इज नॉट बैंड वर्ल्ड वाइड. सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस. बी देखिए, मोर पोल्यूटेंट, यहाँ पे पोलार रीजन के बारे में मेंशन जरूर था यूकॉन एंड आर्कटिक के फॉर्म में, बट नोवेयर दे हैव टॉक्ड अबाउट वार्मर एरियाज, हेंस बी इज आउट. सी देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बहुत सारी कंट्रीज ने अपने एंटी पोल्यूशन लॉ को इग्नोर करा है. हाउ डू यू नो अबाउट इट? नो मेंशन अबाउट इट, हेंस सी इज आउट. अब यहाँ पे डीडीटी एंड टॉक्साफीन के बारे में मेंशन जरूर करा गया है, बट यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा कि दे आर द, दीज आर द टू मोस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स. ऑलराइट, तो बच्चा अगेन टू मोस्ट टॉक्सिक लाइन की वजह से आपका डी इज ऑल्सो रॉन्ग. ई देखिए बच्चा, इवन अ वर्ल्ड वाइड बैन ऑन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड, इसका भी कोई मेंशन नहीं था पैसेज में. इट इज टू एक्सट्रीम टू से दैट वी कैन नॉट स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डीडीटी एंड टॉक्साफीन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यू कैन पॉज द वीडियो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ऑल राइट बच्चा, ये जो पैसेज है, इट इज रिटन कि पहले क्या होता था, पहले जो पॉलिस थी वो किसी के भी घर में अनरीजनेबल सर्चेस के लिए चली जाती थी पॉलिस, और अभी क्या है, उनको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है, कोर्ट से सर्च वारंट इश्यू करवाते तभी आते. तो बीच में पुलिस अपने मनमानी करने लगी थी, और जो लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल थे उनको ये बहुत डिस्कम्फर्ट, बियॉन्ड देयर कम्फर्ट जोन था कि पुलिस आ रही है घर पे. ऑल राइट, तो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट्स कि भाई आपके घरों में पुलिस आए. ऑल राइट, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बच्चा मेंशन, स्पेशल मेंशन करा गया था, फोर्थ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे क्लियरली लिखा था कि नो सीजर्स एंड सर्चेज ऑफ अ पर्सन होम कैन बी कंडक्टेड विदाउट सर्च वारंट. ऑल राइट, और उसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रल जज है कोर्ट में वो फैक्चुअली एनालाइज करेगा चीजों को, उसको लगता है सर्च वारंट इशू करना तो वो सर्च वारंट इशू करेगा. ऑल राइट, और आप बिना सर्च वारंट के किसी के घर नहीं जाएंगे, आपको कोर्ट से सर्च वारंट इशू करवाना है न्यूट्रल जज से, देन ओनली विल यू बी एबल टू गो टू सर्च एनीबडीज होम. अब देखिए बच्चा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, पैसेज में क्वेश्चन क्या है. द पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट पुलिस कैन नॉट सर्च अ पर्सन होम और प्राइवेट पेपर अनलेस दे हैव लीगल ऑथोराइजेशन. बच्चा लीगल ऑथोराइजेशन का मतलब ही होता है सर्च वारंट. डायरेक्ट एविडेंस ऑफ अ क्राइम अगर आपके पास है तो आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, और न्यूट्रल जज उन क्राइम के एविडेंसेस को एनालाइज करके सर्च वारंट इश्यू करेगा. बट इवन इफ यू हैव डायरेक्ट एविडेंस ऑफ क्राइम, यू कैन नॉट गो एंड सर्च एनीबडीज हाउस, हेंस बी इज आउट. रीड द पर्सन, ये इलॉजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पढ़ना चाहिए हमें लोगों के. रीजनेबल बिलीव, बच्चा बिलीव सिस्टम पे तो हमें काम ही नहीं करना है. क्लियरली पैसेज में लिखा हुआ है कि पहले लोग क्या करते थे, अनरीजनेबल सर्चेस करते थे. अनरीजनेबल का मतलब ही होता है कि आप बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपका रीजनेबल बिलीफ है बट कोई फैक्ट नहीं है. अब देखिए ई, रिक्वेस्टेड दैट अ जज बी प्रेजेंट. तो यहाँ पे जज सिटिंग इन द कोर्ट विल इश्यू सर्च वारंट, बट जज का डोर टू डोर जाना ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, एंड ये मेंशन पैसेज में कहीं पर भी नहीं है दैट जज शुड बी प्रेजेंट. ऑल राइट, सो ऑब्वियसली आपका ई इज आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली पॉज द वीडियो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. बच्चा यहां पे बोला है मैथमेटिक्स अलाउ अस टू एक्सपांड अवर कॉन्शियसनेस. Mathematics tells us about economic trends, pattern of disease and growth of population. यहाँ पे maths की तारीफ करी गई है बच्चा अभी तक, फिर ये भी बताया कि maths is good at exposing the truth. Last line में इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि maths से आपकी misunderstanding and untruth भी perpetuate हो सकते हैं, क्योंकि figures have power to mislead people. अब देखिए बच्चा, option one, study of mathematics is dangerous. It is too extreme to call mathematics as dangerous, क्योंकि starting में तो उसकी तारीफ करी गई है बच्चा mathematics की. Hence A is out. B देखे, words are more powerful
देन फिगर्स, यहाँ पे नो मेंशन अबाउट वर्ड्स, यहाँ पे सिर्फ फिगर्स के बारे में है. फिगर्स हैव पावर्स टू मिसलीड पीपल, और फिगर्स आर गुड एट एक्सपोजिंग द ट्रूथ, बट नो मेंशन अबाउट द वर्ड्स, नो कंपैरिजन बिटवीन मैथमेटिक्स फिगर्स एंड वर्ड्स. सो ऑब्वियसली आपका बी इज रॉन्ग. सी देखिए, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दूसरी डिसिप्लिन के बारे में बात हो रही है बच्चा, बट पैसेज में अदर सब्जेक्ट्स के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, hence C is also out. अब देखिए, the power of mathematics is that they cannot lie, जबकि last line में clearly लिखा है figures have power to mislead people. All right? तो obviously बच्चा आपका D can't be, the D is just contradictory. E देखिए बच्चा, figures are sometimes used to deceive people. Yes, last line clearly it talks about the same thing. Figures sometimes used to deceive people because figures have the power to mislead people. E is the correct answer choice. Now, next question on screen. You can pause the video for solving this question. अब देखिए बच्चा, यहाँ पे बोला गया है ह्यूमन टेक्नोलॉजी डेवलप फ्रॉम स्टोन टूल्स फॉर ऑलमोस्ट 2.5 million years ago. ह्यूमन टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई थी? 2.5 million years ago. ऑल राइट. और ह्यूमन टेक्नोलॉजी जो शुरू हुई थी वो स्टोन टूल से शुरू हुई थी. ऑल राइट. साथ में ये भी बताया कि कई हजार साल तक तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ही नहीं आया था, स्टोन टूल टेक्नोलॉजी यूज करते रहे. बट नाउ टेक्नोलॉजीज आर रिपोर्टेड डेली ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर. इसका क्या मतलब हुआ कि अभी तो बहुत फास्ट पेस पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है. अब देखिए, स्टोन टूल वर नॉट रियली अ टेक्नोलॉजी, जबकि पैसेज में क्लियरली बोला है कि स्टोन टूल जो शुरू हुआ था वो स्टोन टूल से हुआ था, ह्यूमन टेक्नोलॉजी. इसका क्या मतलब हुआ? स्टोन टूल इज ऑब्वियसली अ टेक्नोलॉजी, हेंस ए इज आउट. कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन है पैसेज में. स्टोन टूल्स वर इन यूज फॉर 2.5 million years. बेटा ऐसा नहीं था कि स्टोन टूल 2.5 million years से पहले, तब से लेके हम आज तक यूज कर रहे हैं. उसके बाद तो काफी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है बच्चा. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड 2.5 million years ago, बट अब हम लोग यूज नहीं करते हैं स्टोन टूल. ऑल राइट. तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एट ऑल इन यूज. देर इज नो वे टू नो कि स्टोन टूल कब आई, जबकि एक पैसेज में क्लियरली लिखा है 2.5 million years ago. कॉन्ट्रेडिक्ट्री. डी देखिए बच्चा, In today's world, new technologies are constantly being developed. Clearly likha hai passage mein. Hence, D is the correct answer choice. Bachcha, last mein ye likha hai ki sabse zyada important agar technology thi, to wo kya thi? Stone tool. Jabki passage mein aisa kuch mention hi nahi hai ki sabse zyada important technology jo thi wo stone tool thi. No such comparison happened here. Hence, E can't be the correct answer choice. All right. Now, next question on screen. Please pause the video and solve the question. All right. तो बच्चा इसमें देखिए क्या करना है. इसमें बताया गया है कि जो postal services हैं आज की, they are very effective and efficient. पहले जो mails जाते थे लोगों के पास, parcels जाते थे, letters जाते थे, तो या तो लोग पैदल जाते थे देने या हॉर्स पैक के ऊपर जाते थे. फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रेन, ट्रक, प्लेन वगैरह यूज करने लगे फॉर सेंडिंग पैकेजेस. अब बता रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, कितनी फास्ट पेस पे होने लगा ये काम, कि अगर आप देखें, पोस्टल सर्विसेज ऑफर प्रायोरिटी मेल एंड एक्सप्रेस मेल सर्विसेज. प्रायोरिटी मेल इज गारंटीड टू गो एनीवेयर इन द यूएस इन 2 days और लेस, जबकि इन्होंने कहा है एक्सप्रेस मेल हमें विदिन अ नाइट, मतलब ओवर द नाइट हमें आपको पैकेज मिल सकता है. तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें क्या बताया गया है कि पहले इतना इफेक्टिव नहीं था, एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज नहीं थी जितनी की अब है. ऑल राइट. अब देखिए बच्चा, इसका करेक्ट आंसर चॉइस शुड बी
मेल सर्विसेज टुडे आर इफेक्टिव एंड डिपेंडेबल. डिपेंडेबल क्यों? क्योंकि हम उनपे काउंट कर सकते हैं कि अगर पोस्टल मेल है तो वो 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, और प्रायोरिटी मिले तो वो ओवर द नाइट मिल जाएगा. तो हमारी उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है. बी एंड सी आर जस्ट मेंशन इन द पैसेज बट दे आर नॉट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. दिस कैन नॉट, बी एंड सी कांट बी द मेन आइडिया. दीज आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. अगर बी सही है तो उस तरह से तो सी भी सही हो सकता था बच्चा, बट दीज आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. मोर पीपल यूज पोस्ट ऑफिस फॉर अर्जेंट डिलीवरीज देन एनी अदर डिलीवरी. यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज के बारे में बात हो रही है. पोस्ट ऑफिस का कंपेरिजन दूसरे डिलीवरी सर्विसेज के साथ हुआ ही नहीं है. ए कांट बी द करेक्ट आंसर चॉइस. ई बच्चा देखा जाए तो मेंशन जरूर था, बट दैट इज जस्ट प्रिमाइस. दिस इज नॉट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. मेन आइडिया वॉज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. Please pause the video and solve the question. अब देखिए बच्चा यहां पे क्या मेंशन है. रियलिटी टीवी शोज के बारे में बात हो रही है कि अगर वो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती जा रही है तो इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट ऑन ट्रेडिशनल ड्रामास. क्योंकि टीवी के जो नेटवर्क एग्जीक्यूटिव थे वो ट्रेडिशनल ड्रामास को कैंसिल करेंगे ओवर रियलिटी टीवी शोज. ऑल राइट, तो मतलब रियलिटी टीवी शोज आर गोइंग टू रिप्लेस ट्रेडिशनल ड्रामास विच इज अ थ्रेट. अब रियलिटी टीवी शो के बारे में तारीफ करी गई है, नोवेयर इट इज मेंशन कि ये लो क्वालिटी है, हेंस ए इज आउट. बी देखिए बच्चा, रियलिटी टीवी शोज गेट द हाईएस्ट रेटिंग. यहां पे आपका ऑप्शन बी सही जरूर हो सकता था, बट नो मेंशन अबाउट ट्रेडिशनल ड्रामा. आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी ज्यादा है, रेटिंग भी ज्यादा हो सकती है इसकी, बट ट्रेडिशनल ड्रामा का मेंशन ही नहीं है. इट इज इनकम्प्लीट. बी इज आउट. अब यहां पे बोला है कि मोर एंड मोर पीपल लव टू वॉच रियलिटी टीवी, बट पार्टिसिपेशन के बारे में तो कुछ मेंशन ही नहीं था, हेंस सी इज आउट. D definitely is correct answer choice. It is the essence of entire passage covering both reality TVs and traditional dramas. Hence, D will be the correct answer choice. Passage में hasty and unwise decisions के बारे में mention ही नहीं है. E is out. Now, last question for today, बच्चा. Kindly read the question, but before that, please pause the video. ऑल राइट बच्चा, यहाँ पे बिजनेस लेटर के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू बी पर्सनल. ऑल राइट, बिजनेस लेटर इन जनरल मतलब हमें अपने पर्सनल व्यू एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव को इंक्लूड नहीं करना चाहिए बिजनेस लेटर्स में, क्योंकि बिजनेस लेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी फॉर्मल वन. अब देखिए बच्चा, राइटिंग अ फर्स्ट पर्सन बिजनेस करस्पॉन्डेंस. यहाँ पे प्रमोशन के बारे में मेंशन ही नहीं था. हाउ कैन यू लीड टू दिस कंक्लूजन? ए इज आउट. अब देखिए, इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू हैव इन ऑफिस एनवायरनमेंट. यहाँ पे इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के बारे में तो बात करिए, बट पर्सनल व्यू एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में मेंशन नहीं है, हेंस बी इज आउट. अब बच्चा यहाँ पे सी डेफिनेटली इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू बी पर्सनल, और यहाँ पर सी ऑप्शन में भी वही लिखा है, यूजिंग द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इन बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज नॉट अ वाइज चॉइस. तो सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है. ऑल राइट, अब देखिए बच्चा, डी द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में मेंशन जरूर है, बट बच्चा नो वेयर इट इज रिटन, नो वेयर बिजनेस करस्पॉन्डेंस बिजनेस लेटर्स आर बीइंग मेंशन्ड इन ऑप्शन डी, हेंस डी इज आउट. अब ई देखिए बच्चा, द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज अप्रोप्रिएट व्हेन राइटिंग. यहाँ पे स्पेसिफिकली लेटर ऑफ थैंक्स के बारे में बात करी गई है, जबकि पैसेज में कहीं नहीं करा है, हेंस आपका E can't be the correct answer.
All right. So correct answer choice was C for question number 10th. All right, students, I hope you enjoyed this session. I hope you must have justified with all the questions. Aapko aapka score pata hai, so you can analyze your performance and you can enhance your reading skills for future such kind of tests as well, and for your actual CUT. So all the very best, students. Hope you liked the session. If you liked it, so please do rate and review it. You can simply press the button like and you can drop a comment over there. So thank you so much. God bless you. Bye. Take care. All the best.